और इस वक्त नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू। नाइजीरिया को उम्मीद है कि भारत से रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद नाइजीरिया में आ सकता है, और साथ ही साथ स्पष्ट तौर पर औपचारिक तौर पर उन्होंने कहा है कि बहुत ही सौभाग्य की बात है कि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी दी गई है इस साल, और बहुत सारे मुद्दे जो ग्लोबल साउथ के उठाए गए हैं वो नाइजीरिया ने उनका समर्थन किया है और भारत के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई। और अफ्रीका का एक बेहद महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था माना जाता है नाइजीरिया को, इन मायनों में नाइजीरिया एक बेहद महत्वपूर्ण देश अफ्रीका का, और नाइजीरिया के राष्ट्रपति का G20 में एक आमंत्रित देश के रूप में इस G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होना भी बेहद महत्वपूर्ण संकेत देता है। और नाइजीरिया के राष्ट्रपति का भारत आना, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद तिनुबू का स्वागत करते हुए। और स्पष्ट तौर पर नाइजीरिया बहुत ही उत्साहित होगा क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के इंटरेस्ट्स लगातार आने शुरू हो गए हैं, ऑटो सेक्टर में कुछ बड़ी उम्मीदें, कुछ बड़े ऐलान भी।